आम आदमी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी पेट्रोल डीजल तो कभी सीएनजी पीएनजी के दाम ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, तो अब दूसरी तरफ किचन का बजट भी बिगड़ने लगा है। दरअसल देश के कई राज्यों में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। टमाटर 120 रुपए प्रति किलो से भी अधिक कीमतों पर बिक रहा है। हालांकि देश के उत्तरी राज्यों में थोड़ी राहत है। अधिकांश शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही हैं। दिल्ली में टमाटर के भाव ने सबको हैरान परेशान कर दिया है। सबको उम्मीद थी कि त्योहारी मौसम बीतने के बाद टमाटर का भाव कम होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि सफल समेत अन्य ऑनलाइन विक्रेता की दुकानों पर टमाटर 80 से 90 रुपए प्रति किलो भी मिल रहा है। आसमान छूते टमाटर के दाम सब्जियों का स्वाद लगातार बिगाड़ रहे हैं। आपूर्ति में कमी की वजह से टमाटर के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे और अर्धशतक के बाद अब शतक लगा रहे हैं। अन्य राज्यों में टमाटर के भाव में काफी तेजी है। जयपुर, मुंबई, भोपाल में पहले से ही टमाटर सेंचुरी लगा रहा है। अब दिल्ली में भी इसके भाव तेज हो गए हैं। दिल्ली के आजादपुर टमाटर संघ के अध्यक्ष अशोक कौशिक ने कहा, दक्षिण भारत से दिल्ली को टमाटर की आपूर्ति बारिश के कारण प्रभावित हुई है। अगर आने वाले दिनों में बारिश जारी रही तो राष्ट्रीय राजधानी में कीमतें मौजूदा स्तर से भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नमो टाइम्स, नई दिल्ली।